हेलो, मैं हूँ अंशु मलिक, कंसल्टिंग डाइटिशियन, और आज मैं आई हूँ आप सबके साथ शेयर करने के लिए डिफरेंट वराइटीज ऑफ कूलर्स दैट वी कैन हैव ड्यूरिंग दिस समर सीजन. नाउ दैट द मर्क्यूरीज आर रियली राइजिंग हाई, परस्पिरेशन की वजह से अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर लॉस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. सो लेट्स गो अहेड एंड सी द डिफरेंट वराइटी ऑफ ड्रिंक्स दैट यू कैन मेक एंड एन्जॉय एट होम राइट नाउ. लस्सी, छाछ, जलजीरा, नींबू पानी, शिकंजी, ये सब तो हम घर पे बनाते रहते हैं. तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ सम डिफरेंट कूलर्स दैट वी कैन मेक दिस समर, जो आपकी किचन में से ही सारी चीजें निकल पाए. तो चलिए अब बनाते हैं हमारी फर्स्ट ड्रिंक. जो फर्स्ट ड्रिंक है उसे कहते हैं गोंद कतीरा. इसके लिए आपको चाहिए गोंद. अब ये वो गोंद नहीं है जो आप लड्डू में यूज करते हैं, ये वो गोंद है जो छोटा सा एक टुकड़ा आता है जिसे आप रात को भिगोएंगे तो ये सुबह तक इतना सारा फूल जाता है. तो वो वाला गोंद हमें चाहिए, विच इज़ वेरी वेरी कूलिंग फॉर योर बॉडी. इट इज़ वेरी गुड फॉर एनी एन्जाइटी, डिप्रेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. वो बहुत ही फाइबरस होता है, सो इट्स वेरी गुड फॉर पाइल्स एंड डाइजेशन ऑल्सो. आइए अब बनाते हैं ऐसे मेरे साथ. तो जो गोंद है वो इस तरह से कुछ दिखता है, एक पीस होगा ऐसा जिसे आप रात को भिगोते हैं तो ये इतनी क्वांटिटी में बढ़ जाता है. अब इसके हम लेंगे कुछ 1 से 2 स्पून. इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध और हम इसमें डालेंगे रू अफ़ज़ा. रू अफ़ज़ा में बहुत सारी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज होती हैं, हर्ब्स होता है और इसकी खुद की स्वीटनेस है. इट्स सपोज टू बी वेरी कूलिंग फॉर योर बॉडी. सो इसे जब आप बनाएंगे तो आपका एक बहुत ही टेस्टी पिंक कलर का ड्रिंक रेडी हो जाएगा, विच इज रियली नाइस एंड यम, वेरी टेस्टी एंड वेरी कूलिंग. तो अब हम बनाते हैं हमारा सेकेंड ड्रिंक. जो सेकेंड ड्रिंक हम बनाने जाएंगे उसे कहते हैं कच्ची लस्सी, उसे छबील भी कहते हैं, विच इज अगेन सपोज टू बी वेरी वेरी कूलिंग. तो उसके लिए हम लेंगे अगेन 1 ग्लास. उसमें हम डालेंगे, बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये, आप इसमें डालेंगे आधा दूध और आपने जितना दूध की क्वांटिटी ली है उतनी ही क्वांटिटी का ठंडा पानी, तो ये काफी डाइल्यूट हो जाता है. और इसमें आप डालेंगे रोज सिरप. मैंने यहाँ पे रू अफ़ज़ा का रोज सिरप लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं. तो ये बहुत ही पतला बनता है, अगर आप देख सकते हैं इसको, इट्स गॉट अ वेरी थिन कंसिस्टेंसी, वेरी लाइट पिंक बिकॉज ऑफ द रू अफ़ज़ा कलर एंड सपोज टू बी वेरी कूलिंग. हाफ वाटर, हाफ मिल्क, रू अफ़ज़ा, नथिंग एल्स, वेरी कूलिंग टेस्ट, फैब इफ द मिल्क इज ऑल्सो रियली नाइस एंड कूल. सो नाउ लेट्स गो टू आवर थर्ड ड्रिंक. द थर्ड ड्रिंक इज अगेन वेरी सिंपल एंड इट्स गोना बी अ फेवरेट अमंग द किड्स. दिस इज नोन एज मिल्क सोडा. इसके लिए आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा फैंटा लेंगे. येस, लाइक 1/3 ऑफ द ग्लास यू कैन टेक फैंटा एंड you will be adding some good amount of milk in this. And जो फैंटा है उसकी खुद की स्वीटनेस होती है, पर हम इसमें थोड़ी सी शुगर डालेंगे. Yes, we will be adding sugar because sugar is supposed to be very cooling. So इस टाइम पे आप यूज कर सकते हैं. और इसमें डालने के बाद the combination of this milk and Fanta and a little bit of sugar is really to die for. Fanta wala milk, really taste them. You should really try it at home. Okay, so let's go to our fourth drink. The fourth drink is a very simple one again. इसे वरियाली कहते हैं, वरियाली का सिरप. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो हरी वाली सौंफ होती है वो हरी वाली सौंफ मैंने यहाँ पे ली है. इसे मैंने ओवरनाइट भिगोया था, तो ओवरनाइट भिगोने की वजह से इसमें पूरा सौंफ का फ्लेवर आ गया है. रात को भिगोने के बाद इसको आप मॉर्निंग में बॉईल करेंगे मिश्री के साथ. मिश्री के साथ बॉईल करने के बाद आप इसको छान लेंगे तो ये एक ऐसा
स्ट्रेन करके इसका सिर्फ पानी रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसके पानी को लेंगे एक ग्लास में, हम डालेंगे इसमें नाइस कोल्ड वाटर, और हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी। इसमें ऑलरेडी मिश्री है, बट अगर आपको चाहिए तो आप और डाल सकते हैं। जस्ट मिक्स इट नाइस एंड योर ड्रिंक इज रेडी। नाउ दिस रियली स्मेल्स, जो सौंफ की खुशबू है बहुत अच्छी आ रही है इसमें। आई होप आप स्क्रीन के थ्रू इसको स्मेल कर पाते, बट वेरी रिफ्रेशिंग स्मेल। ओ माई गॉड, इट्स वेरी कूलिंग टू द थ्रोट। यू मस्ट ट्राई दिस एट होम। ओके ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कूलर। द नेक्स्ट कूलर इज नोन एज थंडाई, विच लुक्स समथिंग लाइक दिस। मैंने ये ऑलरेडी घर पे बना के रखी है, ये कुछ ऐसी दिखती है। सो बेसिकली थंडाई जो है ये आपको रेडी मार्केट में मिल जाएगी, बॉटल्स में मिलती है। इट्स वेरी इजी टू मेक एट होम। इसमें बहुत सारी कूलिंग प्रॉपर्टीज़ है, खसखस है इसमें, कार्डमम है इसमें, गुलकंद है, सौफ है, बादाम है, पिस्ता है, जो रात को आप भिगोते हैं और फिर इसे मॉर्निंग में ग्राइंड करके बॉयल करके इसका ये ऐसा एक थिक सिरप बनता है। सो इफ़ यू वांट टू मेक दिस एट होम ऑल्सो यू कैन मेक, या तो आप बॉटल मंगवा लीजिए एंड द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू इज इसको लीजिए एक ग्लास में, आपने एक से दो चम्मच ठंडाई डाली जैसे, एंड इसमें आप डालेंगे थोड़ा सा दूध, और मुझे ये थोड़ी पतली पसंद है तो मैं इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी भी डालती हूँ, नाइस कोल्ड वाटर, एंड गिव इट अ नाइस स्टर। तो आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो हल्का सा ब्राउन हो जाता है, वेरी स्लाइट ब्राउन, बट जैसे इसका नाम है ठंडाई, ठंडाई इज सपोज टू मेक यू फील कूल व्हेन इट गोज इनसाइड योर सिस्टम। इट स्मेल्स रियली नाइस, होली पे जैसे ठंडाई पी जाती है, एंड टेस्ट आल्सो रियली यम। सो यस, यू शुड ट्राई दिस आल्सो एट होम। The next cooler that I want to share with you is known as icy cucumber cooler. For that, all that you need is some cucumber. इसको मैंने already peel करके grind करा हुआ है, so you can take some good quantity of it, at least 2-3 spoons of it, and then आप उसमें डालिए cold water. You can add some nicely chopped fresh mint leaves है मेरे पास, तो मैं उसमें mint के leaves डाल रही हूँ। You can add some jeera powder in it, just a bit of it, and you can squeeze some lemon. And just a tinge of Himalayan pink salt. That's it. इसको आप अच्छे से stir कीजिए, icy cool cucumber drink is ready to drink. Tastes really awesome. And जब cucumber एक बार आपके system में digest हो जाता है तो cucumber की property है आपको cooling effect देना. So looks yum, tastes even yummier. So the next drink that we're gonna make now is known as our nice and good कूलिंग सब्जा ड्रिंक। ओके, सो सब्जा जो है इट बेसिकली लुक्स समथिंग लाइक दिस। काफ़ी लोगों को सब्जी में कन्फ्यूजन होता है, तो ये ब्लैक कलर का होता है, और एक आते हैं हमारे चिया सीड्स, तो ये वो नहीं है, इट्स सपोज टू बी ब्लैक इन कलर। इसको जब आप पानी में भिगो देते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, थोड़ा सा फूल जाता है। सो वॉट वी विल बी डूइंग इज हम एक ग्लास में थोड़ा सा सब्जा लेंगे, like you can take around 3-4 tablespoons of it.
सब्जा लेंगे, उसमें हम डालेंगे हमारा आइस कोल्ड वाटर. अगेन वी विल बी एडिंग अ बिट ऑफ फ्रेशली चॉप्ड मिंट लीव्स, थोड़ा सा हमारा जीरा पाउडर, वील बी एडिंग सम पिंक हिमालयन सॉल्ट, अ लिटिल बिट ऑफ लेमन गोज इन इट, एंड देन यू गिव इट अ नाइस स्टर. सो सब्जा ड्रिंक इज रेडी. सब्जा इज अगेन सपोज टू बी वेरी कूलिंग एंड आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है. फाइबरस होता है सो इट्स वेरी गुड फॉर कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स और एनी ऑफ सच इशू, एंड वेरी गुड फॉर दिस पर्टिकुलर सीजन. सो एंजॉय योर सब्जा ड्रिंक. Really nice. That we're gonna make now is our fruit cooler. Fruit cooler के लिए मैंने यहाँ पे already लिया हुआ है a little bit of watermelon. तो आप क्या करो, आपका juice बनाने के बाद उसे refrigerate ना करें, because इससे उसके taste में भी फर्क आता है और उसकी जो nutrition qualities है उसमें भी. So मैंने already एक watermelon को cut करके अच्छे से थोड़ा freeze या उसको आप अच्छे लाइक कोल्ड टेम्परेचर पे उसको कोल्ड कर सकते हैं फ्रिज में, इफ यू डोंट वांट टू पुट इट इन द फ्रीजर. एंड देन उसको मिक्सर में डाल के मैंने क्रश किया है और कोल्ड वाटर लिया सो दैट द टेम्परेचर इज नाइस एंड कोल्ड. इसमें अगेन टू मेक इट रियली नाइस एंड टेस्टी वील बी एडिंग आवर मिंट लीव्स, अ लिटिल बिट ऑफ लेमन दैट विल एड टू आवर डाइजेशन, अ लिटिल पिंक सॉल्ट अगेन एंड जीरा पाउडर. And you give it a nice stir. So here your fruit drink is also ready. Very nice and tasty. जीरा और लेमन डालने की वजह से जो वाटरमेलन जूस है वो वाई नहीं करता. काफ़ी बार कहते हैं बॉडी एक्स होते हैं वाटरमेलन जूस पीने के बाद, तो वो चीज़ नहीं होती. जस्ट ट्राई दैट इन दिस क्लाइमेट यू अवॉइड एप्पल. एप्पल जूस कैन बी अ लिटिल हीटी एंड लिटिल सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं ऑरेंज एंड ऑल, वाइटामिन सी कोशेंट उनका बहुत अच्छा है, बट कूलिंग वाइज प्रेफर मोर फाइबरस फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. So let's make our last and final drink, which is a gulkand drink. जी इसके लिए आपको सिर्फ चाहिए gulkand. Gulkand is again supposed to have a lot of Ayurvedic properties and it looks something like this, which I already had in my kitchen. Gulkand is supposed to be very good for memory. It is very good for any type of inflammation, body pains. अगर आपको कोई डाइजेस्टिव इशू है, एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस है, तो गुलकंद के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. इट्स सपोज टू बी वेरी कूलिंग. गुलकंद जैसा नाम है, इट इज़ मेड ऑफ रोज पेटल्स. उसका प्रॉपर एक प्रोसीजर है. सो बेटर नॉट मेड एट होम, रेडीमेड लीजिए एंड जस्ट एड इट इन अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क एंड दैट्स हाउ इट्स गोना लुक लाइक. इसको आपको मिल्क के साथ में मिक्सर में ग्राइंड करेंगे तो बेटर है, तो ये अच्छे से उसका फ्लेवर इसमें आ जाता है. सो दिस इज योर नाइस एंड कूल गुलकंद ड्रिंक विद कोल्ड मिल्क. द फ्लेवर ऑफ गुलकंद एंड द टेस्ट इज रियली नाइस. सो These were some coolers that I wanted to share with y'all in this summer season and I hope y'all like it. Please try it and if you like it then please tag me along with it. These are some efforts that I keep making to help you guys, and if you like my YouTube channel then please hit the subscribe button, and if you have any queries, questions, then you can just DM me directly on Instagram. Or you can get in touch with me on my website www.anshumalik.in. And if you want a one-on-one personalized diet for any medical issue or losing 1 kg a week, you can get directly in touch with me via email also. That is dietitian@anshumalik.in. So be home, be safe, and take care of yourself.